आयुर्वेद यानी आयु का वेद अथवा दीर्घायु होने का विज्ञान सृष्टि के आदि में प्रजापति ब्रह्मा जी ने इस ज्ञान को मनुष्यों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर वेदों और उपनिषदों में कहा। लेकिन समय के साथ साथ ये परिवर्तित होता गया और आज एलोपैथी का जमाना है, जहां थोड़ी सी भी बीमारी अथवा बुखार आते ही हम लोग पैरासीटामोल को लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है आयुर्वेद यानी आयु का विज्ञान? यह ऐसा विज्ञान है जिसमें सभी रोगों के सारे उपाय मौजूद हैं। ऐसा कोई रोग नहीं जिसे आयुर्वेद पद्धति के द्वारा ठीक ना किया जा सके, परंतु कमी है तो इसकी सही जानकारी की। बुखार जिसे रोगों का राजा भी कहा जाता है, कुछ एक व्यक्ति ही ऐसे हैं जिन्हें बुखार न आया हो, वरना लगभग सभीयों को बुखार आता है। परंतु क्या आपको पता है हमारे आयुर्वेद में बुखार के लिए एक सर्वश्रेष्ठ औषधि ऋषि मुनियों द्वारा बताई गई है, एक ऐसी दवाई जिसका ठीक से उपयोग कर लेने पर लगभग 17 प्रकार के बुखारों से बचा जा सकता है और अपने शरीर को अंदर से इतना मजबूत, उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है कि बारिश में भींगने पर भी हमें बुखार नहीं घेरेगा। सर्दी, खांसी और ऐसे कई सारी दिक्कतें जो अक्सर होना आम बात है, इस औषधि के लेने के बाद बेफिर नहीं होगी। उस औषधि का नाम है सुदर्शन घनवटी। सुदर्शन वटी भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की तरह रोगों का नाश करती है। यह बुखार को ठीक करने के साथ साथ शरीर से विषैले पदार्थों को भी बाहर निकाल करके आंतों की शुद्धि करती है। सुदर्शन वटी सामान्य सर्दी और खांसी में भी तुरंत राहत पहुंचाती है। यह शरीर के इम्यून सिस्टम को ठीक करती है, जिससे मौसम के बदलने का असर भी शरीर पर नहीं होता। किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन से इसको लेने के बाद सुरक्षित बचा जा सकता है। अगर सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है तो आप उम्र के अनुसार इसकी लगभग 2 गोलियां जल के साथ ले सकते हैं, या डॉक्टर के परामर्श के साथ भी इसको सुरक्षा के साथ लिया जा सकता है। वहीं पैरासीटामोल, जो शरीर में साइड इफेक्ट भी पहुंचाती है, सुदर्शन वटी कोई साइड इफेक्ट नहीं करती। यह औषधि मलेरिया, टाइफाइड में भी बहुत अच्छा काम करती है, साथ ही साथ किडनी की भी हीलिंग करती है। सुदर्शन वटी को प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में अवश्य रखना चाहिए। उम्र के अनुसार बच्चों को एक गोली भोजन के बाद पानी के साथ दी जानी चाहिए, जबकि बड़ों को 2 गोली सुबह और शाम भोजन के 10 मिनट बाद जल के साथ लेनी चाहिए। अगर इसका इस्तेमाल कुछ दिनों लगातार किया गया तो पुराने से बुखार को भी ठीक कर देगा। मित्रों, ये औषधि इतनी सुंदर और मजबूत बनाती है कि माइग्रेन और शरीर में होने वाले कैसे भी बुखार को तुरंत कंट्रोल करती है। इसे आप निश्चिंतता पूर्वक ले सकते हैं।